हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक किचन एंड ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ एक हिस्टोरिकल प्लेस में, वो बरपेटा में है आसाम पे। तो वहाँ पे मैं स्पेशली देखने के लिए जाऊँगा, वहाँ पे एक 500 ईयर्स का बेसिल ट्री है, वो जाके मैं वहाँ पे देखूंगा। और आज विश्वकर्मा पूजा है तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये देखिए आप, मैं पूरा बाइक से सुबह धो के पूरा माला वाला लगाया, अभी मैं जा रहा हूँ। सो चलिए बिना डर करके वीडियो स्टार्ट करता हूँ। रास्ते पे मुझे एक बहुत अच्छा जगह दिखाई दिया, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जगह है ये। मैंने ये देख के पूरा अपना बाइक रुका लिया और मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सोचा तो मैंने बाइक रुका के ये वीडियो बना लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है यहाँ पे, और बहुत हवा भी बह रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलिए हम लोग डेस्टिनेशन पर चलते हैं। हम लोग जो रास्ते से जा रहा था तो हम लोगों ने एक टेम्पल देखा, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो यहाँ पे रुकने के लिए सोचा तो हम लोग अंदर जाके देखते टेम्पल आप लोगों को भी दिखाते, आप लोग भी चलिए मेरे साथ दर्शन कीजिए। ये है श्री श्री पोखला गोहाई देवर टेम्पल। तो ये मतलब बहुत अच्छा टेम्पल है, और आप लोग यहाँ पे जो आएगा ना, आपको यहाँ पे शुगर देना पड़ता है, मतलब चीनी। तो यहाँ पे आप लोग चीनी दे सकते हो गॉड को। और देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे दिया और धूप वगैरह चलाया, और यहाँ पे बहुत सारा लोग भी था, मतलब नाम प्रसंग कर रहा था। मुझे बहुत पसंद आया ये, आप लोग देख सकते हैं कितना शांति का जगह है। और ये देखिए एक बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे शिव जी का, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ये पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है ये, तो आप लोग चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मेन टेम्पल है श्री श्री पोखला गोहाई देवर टेम्पल, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग मतलब सच्चे मन से कुछ प्रार्थना करके गॉड को बोलते हो तो सारा कुछ सिद्धि हो जाता है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा जगह है ये। आप लोग जब छोटे बारी होके मतलब बरपेटा जाएगा तो यहाँ पे जरूर रुकिएगा, ये जगह का नाम बरबिला है। तो फाइनली हम लोग बरपेटा पहुँच गया। ये है कीर्तन घर, आप लोग देख सकते हैं ये कीर्तन घर का मेन गेट है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। जैसे कि आप लोगों ने पहला टेम्पल पे देखा था, हम लोग शुगर दिया था, मतलब चीनी दिया था, यहाँ पे नमक देना पड़ता है। और मैंने तेल और धूप भी ले लिया अंदर में जलाने के लिए। ये देखिए आप लोग कितना सुंदर है ये जगह। ये है कीर्तन घर, मतलब मेन टेम्पल है। तो चलिए हम लोग अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं मतलब आगे का जो डोर है वो बंद है, अभी कोविड के लिए कुछ प्रोटोकॉल मान रहा है, तो हम लोग पीछे से जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पीछे से। फाइनली मैं अंदर चला गया और आप लोगों को दिखा रहा हूँ अंदर का व्यू कितना सुंदर है। वहाँ पे मैंने नमक और जो मैंने तेल और ये धूप लिया था वहाँ पे मतलब पुजारी को दे दिया, और आप लोग देख सकते हैं अंदर कितना बड़ा है ये। तो चलिए आप लोगों को एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दो बड़ा बड़ा मतलब बेसिल ट्री का पोस्ट है, आप लोगों को दिखाऊँगा अभी। आप देख सकते हो जो मतलब पूरा मेन गेट है आगे का, वहाँ का मतलब साइड में ये बेसिल का ट्री का पोस्ट है। तो चलिए आप लोगों को मैं करीब से दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके। ये देखिए आप लोग कितना बड़ा बड़ा ये तुलसी का पोस्ट है, और ये पोस्ट को आप लोगों को हक करना होगा, और हक करके आप लोगों का जो मन में है वो बात आप बोल दीजिए, आप लोगों का जरूर मनोवांछा पूर्ण होगा यहाँ पे। यहाँ का एक पुजारी ने बोला कि जो ये बेसिल का ट्री था ये पानी के साथ बह के आया था, ये बहुत पहले का बात है। वहाँ पे एक पुजारी था तो उसको सपने में आया था कि उसके किनारे एक मतलब नदी है, नदी में मतलब ये जो दो तुलसी का पेड़ है वो मतलब बह के आया था। तो उसको सपने में दिखाया कि वो ला के यहाँ पे स्थापना करने के लिए, तो वो पुजारी ने मतलब लोगों को बोला, आसपास का लोगों को बोला, तो उन लोगों ने आके यहाँ पे स्थापना किया और ये बड़ा वाला मंदिर बना लिया। आप लोगों को मैंने दिखाया कि मंदिर का पूरा वॉल वहाँ पे पूरा दशावतार बना हुआ था। तो फाइनली मैं पूरा घूम ले आई है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर आएगा यहाँ पे, आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। तो सब लोग आप आइए यहाँ पे। सो थैंक सो मच वंस अगेन गाइस, आप लोग मेरा वीडियोस देखते हैं एंड मेरा वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड बहुत जल्द आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।